दोस्तों आज हम बात करेंगे एक काफी अंडररेटेड प्रोडक्ट के बारे में, जेमसन आयरिश विस्की। जिस प्राइस रेंज में ये इंडिया में मिल रही है, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं यही सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों जेमसन अपने प्राइस सेगमेंट में एक बहुत ही बढ़िया विस्की है। जी हाँ, मैं कुछ फैक्ट्स ऐसे आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि भाई जिस प्राइस रेंज में ये मिल रही है ना आजकल मार्केट में, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। जी हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको भी एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी विस्की की ज़रूरत है या फिर तलाश है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जेमसन की कहानी स्टार्ट होती है 1780 में। जी हाँ, 1780 में। तो आप सोच सकते हो कितना पुराना ये प्रोडक्ट है। जिस तरह से, जिस प्रोसेस के साथ उस समय में इसको बनाया जाता है, सेम उसी तरह अभी भी कंपनी वैसे ही इसको बनाती है। अब मैं इसको बता रहा था कि ये वैल्यू फॉर मनी है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस है। दोस्तों आजकल जितनी भी स्कॉच विस्कीज हम इंडिया में पी रहे हैं, मोस्टली सबको इंडिया में ही बॉटल किया जाता है। जी हाँ, बैरल से स्कॉच विस्की इंडिया में लाई जाती है और इंडिया का पानी उसमें मिलाया जाता है और इंडिया में उसकी बॉटलिंग की जाती है। कहीं ना कहीं क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ये जो जेमसन आयरिश विस्की है, इसको अपने ओरिजिन में ही बॉटल किया जाता है। कहने का मतलब आयरलैंड में इसको बनाया जाता है और वहाँ से इसको डायरेक्ट इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता है। तो जो क्वालिटी में इशू होता है ना, वो इसमें आपको बिल्कुल नाम मात्र मिलेगा। जी हाँ, आपको टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी। उसके बाद इसको 3 बार डिस्टिल किया जाता है। जी हाँ, आप कभी भी देख लो, हर जगह पे आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ट्रिपल डिस्टिल। जितनी भी स्कॉच विस्कीज होती हैं उनको मेजरली 2 बार डिस्टिल किया जाता है। कोई कोई ऐसी होगी जिसको 3 बार किया जाता होगा, लेकिन आयरिश विस्की में एक लॉ है कि आपको अपनी विस्की को 3 बार डिस्टिलेशन करवाना ही पड़ेगा, जिस वजह से जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हो जाती है। और जेमसन को भी 3 बार डिस्टिल किया गया है। इसके ऊपर कोई भी ए स्टेटमेंट नहीं आती, लेकिन जैसे कि स्कॉटलैंड में होता है कि 3 साल तक आपको किसी भी विस्की को मैच्योर स्कॉटलैंड में करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको स्कॉच विस्की बोल सकते हो। सेम ऐसा ही आयरिश विस्की के मामले में भी होता है। मिनिमम 3 साल तक आपको आयरलैंड में उसको मैच्योर करवाना पड़ेगा, तभी आप उसको आयरिश विस्की बोल सकते हो। तो एज पर आयरलैंड के लॉ के मुताबिक इसको मिनिमम 3 साल तक एज करवाया गया है। अगला फैक्टर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, फ्रेंडली इन द मीन ये पीने में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। चलिए थोड़ा सा मैं पोर भी करता हूँ इसको ग्लास में, इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा था ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली विस्की है। फ्रेंडली विस्की इन द मीन ये बहुत ही, अगर कोई एक नया विस्की ड्रिंकर है जिसको अभी ज़्यादा विस्की के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई बिगिनर है, तो आप उसको भी इसको सर्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, काफ़ी एक लाइट विस्की है ये। कई बार मैं इसको पी चुका हूँ, हैंगओवर बिल्कुल भूल ही जाइए कि आप इसको पीने के बाद आपको कोई भी हैंगओवर होगा, क्योंकि बहुत लाइट, बहुत स्मूथ है कि ये विस्की है। आप किसी की चीज़ के साथ भी इसको पी सकते हो, नीट पी सकते हो, पानी के साथ पी सकते हो, सोडा मिक्स कर सकते हो, जिंजर एल के साथ बहुत बढ़िया जाती है, टेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अगला फैक्टर जो मैं शेयर करूँगा, प्राइस फैक्टर। जिस प्राइस रेंज में आजकल ये मिल रही है ना भाई, वो इसको बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बना देता है। चंडीगढ़ से अगर आप इसको लोगे तो ये 1500 की आपको मिल जाएगी, गुड़गांव वगैरह से आप लोगे तो 1300-1400 रुपीज़ की मिल जाएगी। भाई 1300-1400 रुपीज़ में
आयरिश विस्की मिलना एक बहुत बड़ी बात है। पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में भी 1800 से लेके 2000 रुपीस तक आपको इजीली ये मिल जाएगी। अगर आप पूरा केस बाय करते हो तो उससे भी कम प्राइस रेंज में आपको ये मिल जाएगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पार्टीज में, शादियों में हम कौन सी एक फ्रेंडली विस्की लगाना चाहते हैं, कौन सी लगाएं जो कि सबको अच्छी लगे, सबके पैलेट को सूट करे, सब लोग उसे ईजिली ड्रिंक कर पाए। तो मेरे हिसाब से जेम्सन एक काफ़ी बढ़िया आंसर है, क्योंकि जेम्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। चलिए, फ्रेंडली तो बहुत बार बोल लिया, एक बार इसको टेस्ट भी करते हैं। चीयर्स। जैसे कि मैं बोल रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट है ये, काफ़ी फ्लोरल फूलों के नोट्स मुझे इसमें से आ रहे हैं, वनीला मिल रहा है इसमें से, हल्का सा एक सिट्रस का नोट पैक एंड पे आ रहा है, बहुत ही डेलिकेट नोजिंग है इसकी, 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है और 750 ml की बॉटल है इसकी। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। चीयर्स। नीट पीने में ना बटर स्कॉच का टेस्ट आपको आएगा, वनीला का टेस्ट आएगा, हल्की सी ओक से एक स्पाइसीनेस आपको आएगी, एक हल्का सा टिंगलिंग इफेक्ट आएगा, लेकिन बर्न नहीं देगी ये आपको। जी हाँ, काफ़ी बड़ा सिप मैंने लिया लेकिन इसने मेरे पैलेट को बर्न नहीं दिया, वो अल्कोहल नहीं आपको मिलेगा इसमें। और इसकी जो फिनिश है ये भी काफ़ी लंबी है। जी हाँ, अभी तक मैं इसके फ्लेवर्स, इसका अरोमा अभी तक फील कर पा रहा हूँ। भाई मेरे हिसाब से ना जिस प्राइस रेंज में ये आ रही है, ये बहुत बढ़िया एक आयरिश विस्की है, आप लोगों को इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। किस किस की ये फेवरेट है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, चीयर्स, पियो और जियो।